जैसा कि आपको बताया कि जब तक 19,875,882 नहीं निकल जाता या 9,900 का एरिया नहीं निकल जाता, तब तक मार्केट में नई एनर्जी नहीं आएगी। तो वही हो रहा है, मार्केट पूरी डल है, वही की वही खड़ी है। पर एक चीज़ जरूर देखने को मिली है, वो काफ़ी अच्छी, वो ये मिली है कि FIs लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। FIs ने लगभग 2,500 के आसपास का कैश में बाइंग की है, जो कि बहुत बड़ी है। इससे पता चलता है कि उन्होंने शुक्र किया कि थोड़ी सी कोई डिप आई है तो उसे उन्होंने फटाफट बाय किया है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, नो ट्रेड जोन में ही रहा, इसमें कोई खास मूवमेंट निफ्टी ने नहीं दी, तो इस तरह से हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं ली। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे आते हैं, बैंक निफ्टी में हमने काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली। 20 डेमा से एग्जैक्टली हमें एक शानदार रैली, काफ़ी ऊपर, मतलब 43,000, शायद मैं यहाँ स्क्रीनशॉट खींचना भूल गया, थोड़ा छोटा था, 800 के आसपास हमने काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। तो इस तरह से हमें इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। जैसे कि आपको समझाया भी था कि 20 डेमा तक का डिप आपने ज़रूर बाय करना है, और 20 डेमा के आसपास क्या था, 43,550-560 का एरिया और 600 का एरिया भी था जिसको बार बार बाय किया जा रहा था। उस चीज़ को स्टडी करके ही आपको बताया गया था कि ये यहाँ पे डिप को ज़रूर बाय करना, और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो है फिन निफ्टी में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि ये सारे जो झुरमुट था पूरा, वेम्मा एम्मा डेम्मा शेम्मा, इन सबको क्रॉस कर गया फिन निफ्टी। ये काफ़ी अच्छा साइन मिला यहाँ से। पर यहाँ से हमने जो कहा था कि डाउनसाइड मूव को प्ले कर सकते हो इन वेम्मा एम्मा पे, 19,650 के SL के साथ, वो चीज़ भी कामयाब रही। उसमें भी हमें पुट में काफ़ी अच्छा शानदार एक जंप देखने को मिला। जिसने पुट ली होगी उसे ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद मिड कैप निफ्टी फिर से नो ट्रेड जोन में रही, ये पूरी तरह से डल रही। जब तक ये इस एरिया के ऊपर नहीं आती 9,525 के ऊपर, तब तक इसमें जोश नहीं आएगा। इसका क्लोजिंग आनी बहुत ज़रूरी है 9,500 के ऊपर, 9,500 के ऊपर। अब हम आते हैं पूरी तरह से एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर मंडे को मार्केट का क्या होगा। देखिए, जहां तक सवाल है क्रूड का, क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिली है। फ्राइडे की रात को काफ़ी तेज़ी से गिरा है क्रूड। हालांकि नेगेटिव खबरें आ रही हैं कि ओपेक की मीटिंग है जो नेक्स्ट वीक है, उसके बावजूद भी क्रूड में इतनी अच्छी गिरावट देखने को मिली, जो कि हमारे इंडिया के लिए और ख़ासकर बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी है। तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी आपको फिर से मंडे को दौड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। डॉलर इंडेक्स गिरा है, तो ये हमारे ऑल ओवर निफ्टी के लिए भी अच्छा है, तो मंडे को एक निफ्टी में उछाल देखने को मिल सकता है। 10-ईयर बॉन्ड यील्ड वो वहीं की वहीं खड़ी है, ये हिल नहीं रही। ये एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, ये पहला नेगेटिव पॉइंट है निफ्टी के लिए, ठीक है, और या फिर आप लगा लो IT सेक्टर के लिए। पर फिर भी स्टेबल है, ये नहीं कह सकते कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ी नहीं है, ये गिरी नहीं है, बाकी दोनों डाटा गिर गए हैं। तो कुल मिलाकर +2 -1 ये है रुझान। तो इसमें अगर देखें तो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है, IT सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड फिर से ऊपर हुई है थोड़ी सी, तो IT सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। पर ऑल ओवर देखें मार्केट में सब कुछ ऑल इज़ वेल है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर IT सेक्टर मोमेंटम में है, तो इसलिए हमारे IT सेक्टर को कोई ख़तरा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि IT सेक्टर का जो अगर हम चार्ट देखें तो वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम आए निफ्टी के, गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 19,837.330 PM पे। रातों रात ये 19,893, मतलब यहाँ से लगभग 60 पॉइंट का प्लस है, मतलब एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि 19,894 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ट्यूसडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को ये ऊपर की ओर निकल गई 9,900 के ऊपर, यहाँ ट्रैवल करना शुरू कर दिया,
तो एक बड़ा गैप अप हमें मंगलवार को ट्यूसडे को मिल सकता है, तो उसके लिए भी आपको फिर तैयार रहना चाहिए। पर ये जरूरी है कि ट्यूसडे तक ये अप बना रहे, कहीं ये ना हो कि मंडे को ये डाउन हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है मंडे को गिफ्ट निफ्टी चलती रहेगी। हालांकि जो हमारी जो दूसरी जो वर्ल्ड मार्केट वो तो चलेगी और हमारी मार्केट क्लोज है, पर गिफ्ट निफ्टी हो सकता है शायद चलती रहे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अपना काम करती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें लगातार नज़र बना के रखनी पड़ेगी मंडे की गिफ्ट निफ्टी पे भी कि वो ऊपर बने। अगर 19,900 के ऊपर एक बार निकल गई और सस्टेन कर गई, फिर हमें बड़ा गैप अप मिल सकता है। ये ना हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा खतरा है। अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई और क्रॉस कर गई तो फिर हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी ये वाली, और फिर हमें एक नए लेवल की ओर गिफ्ट निफ्टी चल पड़ेगी जो है 20,150 की ओर। पर अब देखते हैं कि मंडे का दिन सही निकल जाए और ट्यूसडे को सुबह 6:30 बजे 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 19,900 के ऊपर ट्रैवल करे, तो वो हमारे लिए काफ़ी गैप अप ओपनिंग के लिए अच्छा है। अब आते हैं डाओ फ्यूचर। डाओ फ्यूचर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पीनट फ्लैग बनेगा तो ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब पीनट फ्लैग बनता है ना तो ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाती है। अगर फ्लैट फ्लैग बनता है ऐसे करके ऐसे, तो तेज एक रैली देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे ये जा रही है, ये भी अच्छा है। 35,626 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे यहाँ की ओर जा रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ जाएगी, तो वही हो रहा है, यहाँ पे आ रही है, एक प्राइस एक्शन पूरा काम कर रहा है यहाँ तक जाता हुआ। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट FIDI डाटा। FIDI डाटा देखिए वो काफ़ी शानदार है। ये देखिए 2,625 करोड़, मैं 2,500 कह रहा था, 2,625 करोड़ की बाइंग की है। ये काफ़ी अच्छा साइन है, ये काफ़ी अच्छा साइन है। ध्यान रखिए एक नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी भी अब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वो पिछली एक्सपायरी अब ख़त्म होने आ रही है 30 नवंबर को। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जो दिसंबर का जो टाइम है, जो दिसंबर का मंथ है, उसमें एक अच्छी खासी रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। उधर कैश में भी DIs ने भी बाइंग की है, इंडेक्स में किसी तरह की कोई सेलिंग नहीं की हुई, और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग करके गए हैं। तो ये एक अच्छा डाटा है, काफ़ी अच्छा। मतलब DIs अब अगर कैश में बाइंग कर रहे हैं ना, तो मतलब ये है कि वो वापस लौट रहे हैं, और अब हमें एक अच्छा टाइम देखने को मिल सकता है दिसंबर में। दिसंबर में जो हमारी होप है, होप क्या है, 20,200 का एरिया निफ्टी का, तो शायद हो सकता है कि दिसंबर में बड़े आराम से स्मूथली हमें 20,200 मिल जाए। और ये भी हो सकता है अगर ये ट्यूसडे को ही 19,900-19,915 के ऊपर अगर हमारी निफ्टी आ गई, तो बड़ी जल्दी आपको 20,000-20,100-200 देखने को मिलेगा, क्योंकि रैली काफ़ी तेज होगी फिर, क्योंकि उसमें अब FIs भी पार्टिसिपेट करेंगे। पहले ये था कि DIs और हम लोग, आप और मैं, हम लोग जो हैं यही मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे थे, FIs की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं थी। और इससे पता चलता है हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। और अब FIs जब एंटर होने आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अब तो झूम के मार्केट उठने के काफ़ी आसार देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब 20,200 ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसके बाद अब हम आते हैं FIs के कॉल पुट की स्कैनिंग करेंगे। कॉल अगर शॉर्ट किए हैं उन्होंने, तो ये देखिए FIs ने कॉल शॉर्ट किया है 1,62,000 और कॉल लॉन्ग किया 1,66,000। अब हम आते हैं पुट पे। पुट में क्या किया है, पुट में FIs ने पुट शॉर्ट किया 1,76,000 और पुट लॉन्ग किया 1,83,000। मतलब ये कि FIs फिर से मंडे ट्यूसडे के लिए ये सोच रहे हैं कि रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है ट्यूसडे में फिर से, क्योंकि 30 नवंबर की एक्सपायरी तक हो सकता है थोड़ा सा निफ्टी ऐसे ही टाइम पास करे, और 30 नवंबर के दिन या 30 नवंबर के एक दिन पहले या 30 नवंबर के एक दिन बाद या 30 नवंबर वाले दिन कभी भी मार्केट एकदम से ब्रेकआउट दे सकती है 19,900-19,915 के ऊपर। तो ये चीज़ अब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये 3 दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, किसी भी टाइम एकदम से जंप देखने को मिल सकता है। पर करना आपने प्राइस एक्शन को ही फॉलो है, ये नहीं है कि अगर मैंने ये कहा कि जंप देखा अभी फटाफट ये सब कुछ बैट लगा दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक 19,915-19,920 नहीं क्रॉस होता, तब तक
हमें कोई बेट नहीं लगानी चाहिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमेशा ट्रेड करनी चाहिए। तो अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। तो हमने पूरा एनालिसिस कर लिया FIs DIs का, सभी का, वर्ल्ड लेवल का, सारा कुछ कर लिया। उससे यही पता चलता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ सही है और किसी भी टाइम ब्रेकआउट आ सकता है, ये कंक्लूजन निकला है। तो अब हम आते हैं 43,500 पे। देखिए बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी खासी पुट रेटिंग है, मतलब 43,500 तक बाय ऑन डिप करना चाहिए और 44,000 के आसपास आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट हमारा क्या कहता है? चार्ट ये कहता है कि 20 डेमा 43,567 पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कल भी, और आपने फ्राइडे के दिन बाय भी किया होगा 20 डेमा का डिप। तो अब फिर से कोई भी 20 डेमा तक डिप आता है, 43,567 600 कोई बीच में ले लो, इस एरिए में 43,567 से लेकर 43,622 ये एरिया बाय ऑन डिप है। इस एरिए में अगर आता है तो बाय कीजिए और स्टॉप लॉस 43,500 का आप लेकर चल सकते हैं। ऊपर की ओर टारगेट जो मिल सकते हैं आपको, जो आपको लेवल देखने को मिलेंगे वो है 43,682 717 16 753 और 807। हाँ, तो उस दिन फ्राइडे को हमें रैली यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिली। ये मैं एरिया खींचना मेरे से मिस हो गया, मतलब 300 पॉइंट की रैली आपने एंजॉय की है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहाँ जरूर क्लिक करें, क्योंकि वहाँ पर जो कमेंट्री होती है अगर वीडियो के साथ जोड़ कर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी मार्केट की। और उसके अलावा नीचे जो डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को इन्जॉय कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो 807 तक फिर से आपको एक फिर से नई रैली यहीं से मिल सकती है, मतलब अगर कोई डिप आ गया तो बाय करना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं हम ऊपर के लेवल कौन से रेजिस्टेंस हैं। अगर 807 निकलता है तो ऊपर 43,900 और 43,973 ये सारे एरिया में 10 वेमा 50 एमा 100 एमा 20 एमा सब खड़ा है। तो इस एरिया में आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 44,000 का। अगर 44,000 क्रॉस कर जाती है, जैसे कि फिन निफ्टी कल कर गई है, ऐसे बैंक निफ्टी भी अब कर सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी में रुझान अच्छा है, तो सेल ऑन राइज वहीं करना जो रिस्की ट्रेडर सारे नहीं है, ये सबके लिए मैं बताता ये वाला एरिया। और चाहे डाउनसाइड मूव को प्ले भी मत करना क्योंकि मार्केट का मोमेंटम काफ़ी हाई होगा, खासकर बैंक निफ्टी का, क्योंकि क्रूड काफ़ी तेज़ी से गिर गया है। तो ये थोड़ा सा आपने जो एक्सपर्ट हैं वही यहाँ पे ट्रेड करें, डाउनसाइड मूव सेल ऑन राइज दूसरे मत करें। 44,000 अगर निकल गया तो काफ़ी अच्छे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो जो लेवल होंगे वो कौन कौन से होंगे ये वो भी नोट कर लीजिए, 44,100 166 और 200 तक की रैली आपको फिर 200 पॉइंट की मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपने यही वेमे लगाने हैं, मतलब लास्ट वेमा जो 10 वेम है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रखना है 43,850 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 43,850 का, अगर 44,000 के ऊपर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी। तो ये है पूरा ट्रेड सेटअप। अब हम आते हैं आगे, आगे चलते हैं, चलिए निफ्टी की ओर। निफ्टी क्या कहती है? निफ्टी में जो पोजीशन है 30 नवंबर के हिसाब से, वो वहाँ पे कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा अड़ा हुआ है 19,800 पे, 19,800 पे पुट राइटर भी काफ़ी ज़्यादा अड़ा। काफ़ी लंबी बहस इन दोनों में चल रही है, एक हफ्ता हो गया यही झगड़ा चल रहा है कि मैंने ऊपर नहीं जाना देना, दूसरा कहता है मैंने जाना ही ऊपर है। तो ये झगड़ा मुझे लगता है अब 30 नवंबर को ख़त्म होगा और धीरे धीरे ये इस एरिए से निकल जाएंगे। पर हमने हमने एक ही चीज़ पर ध्यान रखना कि किसी तरह 19,900 के ऊपर मार्केट निकल जाए। तो खैर 19,900 उससे आगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि कौन सा लेवल आ रहा है यहाँ पे 19,875, जहाँ पे दो बार तेज बिकवाली आई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का।
तो मैंने थोड़ा स्ट्रेस देकर इसलिए बोला है तेज बिकवाली कि थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को रखना कि अगर मार्केट भागती हुई नज़र आए, ये ना हो कि 19,875-882 के पास आप कुछ बाय कर लो। नो, यहाँ से डाउनसाइड मूव रहेगी और स्टॉप लॉस रखो 19,906 का। एक बार 19,906 निकल गया, फिर आपको एक शानदार रैली देखने को मिलेगी जो कहाँ लेके जाएगी, 20,000, 20,100, 20,200 की। वो सारे लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से लेवल है, ये वाले लेवल है। तो ये आपने नोट कर लीजिए जो नए लेवल निकल सकते हैं, 19,980, 994, 20,092, 20,132 और 20,222 और 20,246 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे की ओर आते हैं कि कौन सा डिप बाय करना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो स्टॉक मार्केट, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके ऊपर जाएगी। तो अगर 19,700 तक कोई भी डिप आता है तो आपको बाय करना चाहिए, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए 19,650 के नीचे, मतलब 19,630 लगा लो, 10-20 पॉइंट नीचे, वहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा के फिर से आपको जो लेवल मिलेंगे 735, 780, और फिर आपको क्या मिलेगा वहीं 830, 837, जो कि एक काफ़ी माइनर सा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है रोज़ रोज़ की ट्रेडिंग से, 830, 837 के आसपास, तो वो आपके टारगेट ये वाले बन सकते हैं 837, 849, 857, 882। क्यों, यहाँ पे एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से ये नज़दीक थोड़े से रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना है। बाकी गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं, तो जिस हिसाब से लग रहा है 60 पॉइंट अभी, तो गैप अप ओपनिंग तो वैसे मंडे को पता चलेगी, अगर उस हिसाब से हुई भी तो इस टाइम 19,800 है, अगर हम 60 पॉइंट भी लगाएं तो सीधा रेजिस्टेंस पे खुलती मार्केट नज़र आती है। इसलिए मैंने कहा है कि थोड़ा ध्यान रखना, पूरा जोश में मत आ जाना, जब तक 19,906 के ऊपर 5-5 मिनट की 3 कैंडल सस्टेन नहीं होती तब तक आप एक अच्छी रैली अज्यूम नहीं कर सकते। तो रैली तभी अज्यूम करना अगर 19,910 के ऊपर, 906 के ऊपर एक अच्छा आपको लगे कि मार्केट सस्टेन हो गई है, तब यहां से आप एक अच्छा मूव ले सकते हैं। उसके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 19,875। क्यों, क्योंकि अभी यही रेजिस्टेंस है, और अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया फिर ये रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस का काम करेगा, ध्यान रखना। तो ये है पूरा कंप्लीट रिटेल में ट्रेड सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।